अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। बताएं, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा है? किसने नहीं पढ़ा लास्ट लेक्चर? पढ़ा है सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? आपको पता है ना, क्लास पार्टिसिपेशन के 10 नंबर होने हैं, 10% मार्क्स होने हैं। पढ़ा है सर। सर पढ़ा है। सर अच्छा, बताएं कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन स्टेफलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस? किसी को नहीं पता? नहीं सर स्टेफाइलोकोकल जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव है, ओ सॉरी कैटालेज पता। पॉजिटिव है, और जो स्टेप्टोकोकस है वो कैटालेज नेगेटिव है, और जो स्टेफाइलोकोकल है वो क्लस्टर शेप में होता है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो चेन शेप में होता है। दोबारा बोलिएगा ऐसा। कैटालेज पॉजिटिव कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस कैटालेज पॉजिटिव है एंड स्टेफानो। स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और एक कैटालेज टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं? कैटालेज टेस्ट वो टेस्ट होता है जो बैक्टीरिया हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिग्रेडेशन करता है, उसे कैटालेज पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे बताएं कि हेमोलिसिस की क्या टाइप्स हैं और क्या होती हैं? सर सर हेमोलिसिस हेमोलिसिस की थ्री टाइप्स हैं, अल्फा तीन टाइप्स हैं, बीटा अल्फा बीटा और गैमा। गैमा। चलें अक्सा को मौका दें। अक्सा आप बताएं कि अल्फा हेमोलिसिस कैसी होती है, बीटा अल्फा कैसी होती है और गैमा कैसी होती है? हिमोलिसिस जो होती है वो पार्शियल हिमोलिसिस होती है, ग्रीन डिस्कलोरेशन होती है अराउंड क्लूनीज, और इसमें एस एनमोनियस और एस वेरिडेंस होती है। जो बीटा हिमोलिसिस होती है वो कंप्लीट हिमोलिसिस होती है, क्लियर जोन होता है अराउंड क्लूनीज के, और उसमें लेंसी फील्ड करते हैं ग्रुप ए एंड बी, जिसमें मतलब आ जाता है पायोजेंस वगैरह। और जो गैमा हिमोलाइसिस होती है वो नो हिमोलाइसिस होती है, ग्रुप डी होता है, उसमें इंट्रोकोकस आ जाता है। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे बताएं कि ग्रुप ए स्ट्रेप, आप नहीं बताएंगे, जिस बच्चे को आता हो वो हैंड रेस करे कि ग्रुप ए स्ट्रेप कौन कौन सी डिजीजेस कॉज कर सकता है। तीन कैटेगरीज होती हैं, उनका नाम बताएं। सिद्र आप बताएं। जी सर, वो थ्री मैकेनिज्म्स के वजह से एस्पायरोजन जो है वो डिजीजेस कॉज करते हैं, जिसमें क्या आ सकती हैं, एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन आ जाती है, इम्यूनोलॉजिकल आ जाता है, और पायरोजेन इंफ्लेमेशन आ जाता है। एक्सोटॉक्सिन आपसे पायरोजेन क्या लगा? इंफ्लेमेशन पायोजेनिक हो गया, टॉक्सिन मेडिएटेड और मेन मेडिएटेड। ठीक है, अडीज मुझे बताएंगे कि पायोजेनिक कौन सी होती हैं, पायोजेनिक डिजीजेस कौन सी होती हैं? सर लोकल होती है, डिसेमिनेटेड होती है। लोकल में सेलुलाइटिस, इंपेटिगो आ जाती है, डिसेमिनेटेड में स्पेसिस आ जाती सेप्सिस होता है। अच्छा मुझे बताएं, है। व्हाट इज इम्पेटाइगो? सर इंपेटाइगो और स्किन इन्फेक्शन होती है, जिसमें गोल्डन कलर्स की लेजेंड्स फॉर्म होती है स्किन पे। इन्फेक्शन अच्छा होता है प्रेग्नेंट ठीक वुमेन जो सेप्सिस। है, आप मुझे बताएं कि टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीजेस कौन सी हैं? किसी को नहीं सुनिए, पता टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीजेस कौन सी हैं? स्कारलेट फीवर, टॉक्सिक शॉक। ठीक है, वेरी गुड अब्दुल रहमान। आप मुझे बताएं कि फ्रिंजाइटिस में पेशेंट को क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं? फ्रिंजाइटिस के अंदर उसका वो येलोइश फ्लेयर, एक्सटीरियर होता है, थ्रोट और मतलब टॉन्सिल्स उसकी होते हैं थ्रॉट इसमें। टॉन्सिल्स हो जाते हैं जो स्मेल कर जाते हैं, अच्छा, और और थ्रॉट पेन होता है, फीवर होता है, ठीक है। येलोइश एक्सुडेट। ठीक है, अब अपने हैंड रेस करना है। आप मुझे बताएं कि इम्यून मेडिएटेड डिजीजेस कौन कौन सी कॉज कर सकता है ग्रुप ए स्ट्रेप? हैंड रेस करें।
किसी को नहीं आता। सिद्रा आप बता दें फिर, बाकी तो कोई भी नहीं पढ़ के आया। क्वेश्चन रिपीट कर सर। रियोमेटिक फीवर आ जाते हैं और अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे बताएं रियोमेटिक फीवर में साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे। अरीज बताएं आप, अरीज आसिफ। फीवर और क्या होगा? रुकैया आप बताएं। रुकैया सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया। अच्छा आपने मुझे ईमेल किया, आपको ईमेल्स नहीं आ रही, हालांकि आप उससे पहले प्रेजेंट थी, लास्ट लेक्चर में आप एब्सेंट थी, तो कोई ईमेल तो आ रही है। सर मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी ना आपकी, तो अभी मैंने मेल चेक की थी, वो जूम एलएमएस पर नहीं होती लिंक्स, तो मुझे था कि शायद आप सेंड करते हैं मेल पर। ईमेल पे मैं लिंक सेंड करता हूँ सभी बच्चों को, आप भी ग्रुप में ऐड हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको ईमेल ना आए। सर वैसे अभी पहली आई है मेल ना। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ही है या ये वाला? व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाया नहीं है माइक्रो का। सर बना हुआ है। वेल उसमें मैं ऐड नहीं हूँ, तो आप लोग वहाँ पे सेंड कर दिया करें। वैसे तो मैं सभी बच्चों को सेंड करता हूँ। सर ग्रुप में भी सेंड होता है लिंक। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं रूमेटिक फीवर के बारे में, कौन बताएगा व्हाट इज रूमेटिक फीवर, उसमें साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। अक्सर आप बताएं। इसमें ग्रुप बेस्ड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, इसमें फ्रेंकाइटिस और रूमेटिक फीवर में करैक्टराइज करता है फीवर, माइग्रेटरी पोलियोथ्राइटिस, कार्डाइटिस होता है इसमें, और इसमें इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज, और उसमें आ जाती है एम प्रोटीन्स होती है, एंटीजेंस ऑफ जॉइंट हार्ट और ब्रेन टिश्यूज। हाँ तो आपको मैंने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताया था, वो क्या था याद है आपको? जी आप बताएं अरीश। सर मेजर और माइनर क्राइटेरिया था। मेजर क्राइटेरिया में एसोसाइटल इंक्रीज हो जाते हैं, और मेजर माइनर क्राइटेरिया में, मेजर क्राइटेरिया में जॉइंट्स होती हैं, जॉइंट्स। चलिए मैं अरीश आप बता तो रही हैं, लेकिन आप ना चीजें आगे पीछे कर रही हैं, मैं बता देता हूँ। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो है जॉन्स क्राइटेरिया। जॉन्स क्राइटेरिया में आपने तीन चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज होती है एविडेंस ऑफ पास इन्फेक्शन, फिर आता है माइनर क्राइटेरिया, और उसके बाद आता है मेजर क्राइटेरिया। एविडेंस ऑफ पास इन्फेक्शन में आप देखते हो एसओ टाइटर्स और एंटी डीएनएज बी एंटीबॉडी टाइटर्स, आप ये दो एंटीबॉडीज देखते हो ब्लड में पेशेंट के, जाता है इससे आपको पता चलता है कि पेशेंट को ग्रुप ए स्ट्रेप की पास इन्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद आता है माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में हमारे पास पेशेंट को फीवर होगा, एलिवेटेड हो गई ईएसआर और सीआरपी। ईएसआर और सीआरपी हमारे पास एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं, और ये माइनर क्राइटेरिया में आते हैं क्योंकि ये बाकी जितनी भी इन्फेक्शन है ना उसमें अब ज़्यादा हो सकते हैं, ये ग्रुप ए स्ट्रेप स्पेसिफिक नहीं है, तो वैसे ये माइनर क्राइटेरिया का पार्ट है। फीवर होगा, एलिवेटेड ईएसआर होगा और सीआरपी होगा। ठीक है, सीआरपी होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, ईएसआर होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मेजर क्राइटेरिया में होता है फिर हमारे पास जॉन्स, मतलब जॉन्स निमोनिक भी है, तो जॉन्स निमोनिक का मतलब क्या है कि सबसे पहले जे से है जॉइंट्स, मतलब माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस होगा। उसके बाद ओ से है हार्ट, हार्ट में हमारे पास एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है और पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। ई से आता है एरिथेमा नोडोसम, एन से आएगा सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, और एस से आएगा सिडेनहम कोरिया, सॉरी ई से आएगा हमारे पास एरिथेमा मार्जिनेटम, जे से माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा, ओ से इन्वॉल्व करेगा, ओ से है हार्ट मतलब कि उसमें पेशेंट को होगा एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस या फिर पेरिकार्डाइटिस। ई से आएगा एरिथेमा मार्जिनेटम, एस से आएगा सिडेनहम कोरिया और एन से आएगा सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। चले अब हैंड रेस करें, आप मुझे बताएं कि पीएसजीएन या फिर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पेशेंट को क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे। अच्छा ये दो तीन बच्ची पढ़ के आई हैं, एक रीच पढ़ के आई है, एक अक्सा पढ़ के आई है, बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ के आते? आपको पता है कि अटेंडेंस के और क्लास पार्टिसिपेशन के 10% वेटेज होनी है आपके सेशनल्स में,
तो छिद्रा पढ़ के आई है, दो तीन बच्चे पढ़ के आए हैं। तरीम आप बताएं। इसमें हाइपरटेंशन हो जाती है और सारे स्पेशल जोन्स में एडिमा और एक्स क्या स्टॉपिंग क्या है ये लाइन। बता दो। अरीज आप अपना माइक बंद करें और तहरीम को बताने दें। तहरीम दोबारा बताएं। इसमें हाइपरटेंशन होती है और फेशियल एडिमा हो जाता है और स्मोकी जुराइन भी हो जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन होगी, फेशियल एडिमा होगा और हेमाचूरिया, यहाँ पे स्मोकी कलर्ड यूरिन होगा। ठीक है, आप मुझे बताएं कि रूमेटिक फीवर में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं या PSGN में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं? जी किसमें? ठीक जी है सोबिया, बिल्कुल PSGN में हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं, और जो हमारे पास रूमेटिक फीवर है उसमें एंटीबॉडीज जाके डिफरेंट बॉडी के टिश्यू के साथ रिएक्ट करती हैं। वो एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं एम प्रोटीन के अगेंस्ट, और वो बॉडी के फिर नॉर्मल टिश्यू के साथ क्रॉस रिएक्ट करती हैं। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई। सबको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। चलें लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई होता क्या है, क्या कॉज करता है, और उसके बाद फिर हम स्लाइडें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आती है? यस सर यस आती है। सर। कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं होती आप सबको उसके बाद? नो सर। कोई चीज़ समझ ना आए? नो सर। सर बेटा, अगर किसी को कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप या तो उसी दिन पूछ सकते हैं, या फिर जब हम अगला लेक्चर शुरू करने लगे हैं उससे पहले भी पूछ सकते हैं, मतलब क्लास से पूछ सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सर ये काफी लंबा हो जाता है, मतलब एकदम से एक साथ नहीं सारा पढ़ा जाता। बेटा, इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि माइक्रो टफ भी है, इसमें क्रैमिंग भी बहुत ज़्यादा है, इसमें आपके लिए बिल्कुल नई टर्म्स होंगे जो आपने पहले कभी पढ़े नहीं होंगे, कभी सुने नहीं होंगे। तो बेहतर यही है कि आप जिस दिन लेक्चर हो उसी दिन लाजमी पढ़ लिया करें। अगर आप लेट करेंगे तो एंड पे बड़ा मुश्किल हो जाना है। सर वो एक साथ भी ना काफी लंबा हो जाता है, तो वो एक मतलब एक तो टर्मिनोलॉजीज को रिवाइज करना, पढ़ के तो ये याद होती नहीं है, थोड़ा बहुत उसको लिखना पड़ता है, तो वो एक साथ पूरा लेक्चर कवर नहीं होता है। उसके स्लाइड्स कम नहीं हो सकती एक लेक्चर की, मतलब अगर आप 40 में स्लाइड्स रखें तो थोड़े थोड़ा करके हमें पढ़ा दें। तो आपको मैंने थोड़े पढ़ाया था। अब जो लेक्चर 4 है इसमें वैसे तो 49 स्लाइड्स हैं, लेकिन पिछले में हमने सिर्फ 28 कवर की थी और आज हम 29 से शुरू कर रहे हैं। अब इससे छोटा तो लेक्चर ही ना हो सकता कि सिर्फ 30 स्लाइड्स आप डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में। ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई के सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन फीचर्स की बात करें तो जो हमारे पास ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई है, जैसे हम स्ट्रेप्टोकोकस सर ए स्लाइड शो कलेक्टी। नहीं हो रही। बेटा अभी मैंने स्लाइड्स पढ़नी शुरू नहीं की, अभी आपको मैं सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने पढ़ना क्या है, उसके बाद हम स्लाइड साथ साथ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप सिर्फ सुने, ठीक है? ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई हमारे पास कैटालेज नेगेटिव होगा, कोगुलेज भी नेगेटिव होगा, ठीक है? उसके अलावा ये हमारे पास होगा बीटा हेमोलाइटिक। बीटा हेमोलाइटिक का मतलब है कि कंप्लीट हेमोलिसिस होगी, और ये हमारे पास बैसिट्रेसन रेजिस्टेंट होगा। हमने पढ़ा था कि जो ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस है वो हमारे पास बैसिट्रेसन सेंसिटिव होता है, ये बैसिट्रेसन रेजिस्टेंट होगा। उसके अलावा जो हमारे पास ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस है ये कैम्प पॉजिटिव है। अब कैम्प पॉजिटिव का मतलब क्या है? कैम्प पॉजिटिव बेटा एक टेस्ट का नाम है, ठीक है? इसमें बेसिकली जो है ना ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं कैम्प प्रोटीन। ये कैम्प प्रोटीन जब आप ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस के साथ ब्लड एगर पे कल्चर करेंगे ना, तो ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस वहाँ पे कैम प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, और कैम प्रोटीन फिर स्टेफलोकोकस ऑरियस के जो हिमोलिसिस का जोन है उसे एक्सटेंड करेंगे। आगे जाके हम स्लाइड से देखेंगे कि वो किस तरह से एक्सटेंड करते हैं और क्या हमारे पास स्पेशल फीचर आता है जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये बैक्टीरिया कैम पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये जो ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस है ये हमारे पास कैम पॉजिटिव होगा।
अगर ये बात करें नॉर्मल फ्लोरा की, तो ये हमारे पास फीमेल जेनिटल ट्रैक में विजाइना और कॉलन को कॉलोनाइज कर सकता है, ठीक है। वैसे ये हमारे पास वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं होता, लेकिन कुछ फीमेल्स में ये फीमेल जेनिटल ट्रैक को कॉलोनाइज कर सकता है। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? इसकी ट्रांसमिशन होगी ड्यूरिंग द डिलीवरी फ्रॉम मदर टू फीटस, इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। और ये मोस्टली डिजीज कॉज करता है इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स में ये कॉज करेगा मेनिनजाइटिस और निमोनिया। इनफैक्ट ग्रुप बी स्ट्रेप इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिनजाइटिस इन इन्फेंट्स। और आप इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आप इसे ट्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिलिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, कि ये फीमेल जेनिटल ट्रैक को कॉलोनाइज करेगा, इसकी ट्रांसमिशन होगी फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी, और ये डिजीज कॉज करेगा मेनिनजाइटिस, निमोनिया और सेप्सिस कॉज करेगा इन्फेंट में। उसके अलावा मदर में पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस कॉज कर सकता है, और इसका ट्रीटमेंट आप करेंगे थ्रू पेंसिलिन और माइनोग्लाइकोसाइड्स। और आप इसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की, जो हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें आप 35 to 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में उनके आप वेजिनल और रेक्टल कल्चर्स करते हैं। अगर वेजिनल या फिर रेक्टल कल्चर्स पॉजिटिव आ जाएं तो फिर आप उन्हें पेंसिलिन का शॉट देते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी। अगर उनके कल्चर नेगेटिव हों तो फिर आपको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। इन केस एक फीमेल पेशेंट आपके पास आई है ड्यूरिंग द डिलीवरी और उनका उस पेशेंट का आपने पहले ग्रुप बी स्ट्रेप का कल्चर नहीं किया हुआ, तो आप उसे पेंसिलिन उस सूरत में देंगे जब पेशेंट में सेकंड फेज ऑफ लेबर अरेस्ट होगा। अभी तक यहां तक सबको समझ आई है? यस सर। सेकंड फेज ऑफ चलिए, लेबर का क्या मतलब है सर? वो 35 to 37 वीक्स जब हो जाते हैं फिर वो सेकंड फेज हो जाता है ना लेबर का। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। 35 to 37 वीक्स गेस्टेशन आप कल्चर करेंगे। लेबर की बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। लेबर कब शुरू होता है? जब फीटस की डिलीवरी होनी हो ना, तब लेबर शुरू होता है। और लेबर की तीन फेजेस होती हैं। अगर सेकंड फेज में रेस्ट हो जाए लेबर का, तो फिर आपने एक तो करना होता है सी सेक्शन, और दूसरा आपने पेंसिलिन का शॉट देना होता है इन केस उस पेशेंट का पहले आपने ग्रुप बी स्टेप का कल्चर नहीं किया हुआ। अगर आपने उस पेशेंट का पहले ग्रुप बी स्टेप का कल्चर किया हुआ है और कल्चर नेगेटिव है, फिर भी पेशेंट की सेकेंड फेज ऑफ लेबर में लेबर अरेस्ट हो गया है, तो तब आप उसे पेंसिलिन का शॉट नहीं देंगे, ठीक है। यस चलिए अब हम स्लाइड्स पढ़ते हैं कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें। हाँ, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस में कोई भी साइटोटॉक्सिक एंजाइम नहीं होता, एक्सोटॉक्सिन नहीं होते। ग्रुप ए स्टेप में हमने डिफरेंट एंजाइम्स और एक्सोटॉक्सिन पढ़े थे, जिसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ था, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस था। एंजाइम्स हमारे पास हैलुरोनिडेज था, इस तरह के, और उसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज थे। ग्रुप बी स्टेप हमारे पास इस तरह के ना तो कोई साइटोटॉक्सिक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ना ही एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और ना ही इसमें इम्यून मेडिएटेड डिजीजेस होंगी। इसमें सिर्फ पायोजेनिक डिजीजेस होंगी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस में। और वो पायोजेनिक डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं? उसमें हमारे पास आता है मेनिनजाइटिस, निमोनिया और सेप्सिस। और मदर में ये पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस कॉज कर सकता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी कॉलोनाइज द जेनिटल ट्रैक ऑफ सम वुमेन। एंड स्ट्रेप्टोकोकस सिंगुलैरिटी अकर्स इन वेजाइना एंड कॉलन एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू नियोनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास वेजाइना और कॉलन को कल्चर कॉलोनाइज कर सकता है, और इसकी ट्रांसमिशन होगी फ्रॉम मदर टू नियोनेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। विरुलेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होगा। पॉलीसेक्राइड कैप्सूल माइक्रो में जहां पर भी होगा इसका एक ही फंक्शन होता है, ये फेगोसाइटोसिस को इनहेबिट करता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में पॉलीसेक्राइड कैप्सूल अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर पॉलीसेक्राइड कैप्सूल का एक ही फंक्शन है, इट इज एंटीफेगोसाइटिक, मतलब कि फेगोसाइटोसिस को इनहेबिट करेगा। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होगा विच वी कैन यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, और ये बीटा हेमोलिसिस प्रोड्यूस करते हैं एज वी डिस्कस बिफोर। बीटा हिमोलिसिस हम पहले देख चुके हैं कि किस तरह के आएगी। ब्लड एगर पे कंप्लीट हिमोलिसिस होगी बैक्टीरिया के सराउंडिंग में और क्लियर जोन होगा, तो इसे हम कहते हैं बीटा हिमोलिसिस। पैथोजेनेसिस की बात करें तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की पैथोजेनेसिस सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि इट कैन इंड्यूस एन इन्फ्लेमेटोरी रिस्पॉन्स, और इसी के थ्रू ये पायोजेनिक डिजीज कॉज करेगा। ना तो ये कोई एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, ना ही ये कोई इम्यून मीडिएटेड डिजीज कॉज कर रहा है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? आप बोल रहे थे।
बेटा कोई पॉलीसेकेराइड सैकेराइड कैप्सूल का फंक्शन ये होगा कि ये फेगोसाइटोसिस को इनहेबिट करेगा। कुछ बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड कैप्सूल अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं, लेकिन जहां पर भी आप पढ़ेंगे इसका एक ही फंक्शन है ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया में कि ये फेगोसाइटोसिस को इनहेबिट करेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। डिजीजेस जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्फेंट्स में या न्यूनेट में ये सेप्सिस कॉज कर सकते हैं, मेनिनजाइटिस और निमोनिया कॉज कर सकते हैं, और प्रेग्नेंट फीमेल में ये पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस कॉज कर सकता है। डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे कि ये हमारे पास पेसिफ्रेसिन रेजिस्टेंट होते हैं, उसके अलावा ये हिपोल बेटा महीन डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करने के लिए क्वेश्चन है तो पूछ लें आप, कुछ चीज समझ नहीं आ रही। सर एंडोमेट्राइटिस क्या होता है? एंडोमेट्राइटिस होता है कि एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन होती है, ये डिलीवरी के बाद कॉज करेगा। जब फीटस की डिलीवरी हो चुकी है, प्लेसेंटा भी डिलीवर हो चुका है, उसके बाद एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। सर व्हाट इज एंडोमेट्रियम? क्या यूट्रस की लाइन गैंग्रीन होती है? तहरीन क्या पूछा आपने? एंडोमेट्रियम को पूछा है। अच्छा एंडोमेट्रियम क्या होती है? बेटा यूट्रस की बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं, एक होती है एंडोमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, एक होती है पेरीमेट्रियम। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम के साथ ही प्लेसेंटा अटैच होता है, और वहाँ से फिर फीटस को सारी ब्लड सप्लाई जा रही होती है, और ब्लड में हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑक्सीजन होती है। डायग्नोसिस की बात करें तो जो हमारे पास ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है वो हमारे पास बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होंगे, जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है वो हमारे पास बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है। जी बेटा पूछिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है वो बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होगा, और जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है वो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है। उसके अलावा जो ग्रुप बी स्ट्रेप है इसमें हिपोरेट टेस्ट पॉजिटिव होगा। हिपोरेट क्या होता है कि हिपोरेट एक सब्सटेंस है जिसे ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस हाइड्रोलाइज कर सकता है, लेकिन बाकी बैक्टीरिया इसे हाइड्रोलाइज नहीं करते, इसे ब्रेक डाउन नहीं करते। तो अगर तो आप हिपोरेट लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और वहां पर बैक्टीरिया को ऐड करेंगे, अगर तो डीप पर्पल कलर आ रहा है तो मतलब जो बैक्टीरिया है वो हिपोरेट को ब्रेक डाउन कर रहा है, और उसे हम कहेंगे पॉजिटिव टेस्ट है, ये इस बैक्टीरिया में हिपोरेट टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर डीप पर्पल कलर नहीं आ रहा तो मतलब हिपोरेट की ब्रेक डाउन नहीं हो रही, तो हिपोरेट टेस्ट नेगेटिव होगा। एंड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास हिपोरेट पॉजिटिव होता है, जिसे हम और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक और आइडेंटिफिकेशन फीचर है। कैम्प टेस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैम्प टेस्ट क्या होता है, आगे मजीद पढ़ेंगे। और एग्लूटेशन टेस्ट में आप बैक्टीरिया के डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास हिपोरेट टेस्ट है, हम एक टेस्ट ट्यूब में हिपोरेट को ऐड करेंगे और साथ में बैक्टीरिया को ऐड करेंगे। अगर डीप पर्पल कलर आ रहा है तो मतलब बैक्टीरिया हिपोरेट को हाइड्रोलाइज कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो और इसे हम कहेंगे पॉजिटिव टेस्ट है। अगर हमारे पास पर्पल कलर नहीं आ रहा तो उसे हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव टेस्ट है, एंड द बैक्टीरिया इज नॉट हिपोरेट पॉजिटिव। कैम टेस्ट की बात करें, कैम टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश द स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टिया फ्रॉम द अदर स्पीशीज ऑफ बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया, मतलब जो दूसरे बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम करते हैं। और जो ग्रुप बी स्टेप है इट इज कैम पॉजिटिव। कैम टेस्ट बेसिकली होता क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस आता है दे प्रोड्यूस अ डिफ्यूजेबल एक्स्ट्रा सेलुलर हेमोलाइटिक हीट स्टेबल प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं कैम प्रोटीन और कैम फैक्टर। दे एक्ट सिनर्जिस्टिकली विद अ बीटा लाइसिन ऑफ स्टेफलोकोकस ऑरियस टू कॉज एनहांस्ड लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स।
जब आप एक ब्लड एगर पे स्टेफलोकोकस ऑरिस को कल्चर करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है बीटा हेमोलिसिस। अगर आप उस पे अगर आप स्टेफ ऑरिस के साथ ग्रुप बी स्टेप को भी कल्चर करेंगे तो ग्रुप बी स्टेप वहां पे प्रोड्यूस करेगा कैम फैक्टर, और कैम फैक्टर फिर स्टेफ ऑरिस के बीटा हेमोलिटिक जोन को फर्दर एक्सटेंड करेगा। ये हमारे पास कैम टेस्ट होता है। सबको समझ आई है कैम टेस्ट की? सर ये फिर एक्सप्लेन करने कैम टेस्ट। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब आप ब्लड एगर पे स्टेफलोकोकस ऑरियस को कल्चर करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है बीटा हेमोलिसिस, ठीक है। जब आप ब्लड एगर पे स्टेफलोकोकस ऑरियस के साथ ग्रुप बी स्ट्रेप को भी कल्चर करेंगे तो ग्रुप बी स्ट्रेप प्रोड्यूस करेगा कैम फैक्टर, वो कैम फैक्टर पे स्टेफ ऑरियस के बीटा हेमोलिटिक जोन को फर्दर एक्सटेंड करता है, और ये होता है कैम टेस्ट। आपको मैं दिखाता हूँ कि देखें, ये हमारे पास ब्लड एगर है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये बेसिकली स्टेफ ऑरियस को हमने कल्चर किया है, और फिर हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पर लिखा हुआ है कैम टेस्ट नेगेटिव एंड दिस इज कैम टेस्ट पॉजिटिव। ऐसा क्यों है? देखिए, जहाँ पर इस लाइन का और इस लाइन का आपस में कॉन्टेक्ट हो रहा है, ये हमारे पास स्टेफ ऑरियस की लाइन है और ये हमारे पास ग्रुप बी स्ट्रेप की है। जहाँ पर कॉन्टेक्ट हो रहा है वहाँ पर ग्रुप बी स्ट्रेप प्रोड्यूस कर रहा है कैम फैक्टर, और कैम फैक्टर स्टेफलोकोकस ऑरियस के हेमोलिटिक जोन को एक्सटेंड कर रहा है और ये एरो हेड प्रोड्यूस कर रहा है। इस एरो हेड को हम कहते हैं कि कैम टेस्ट पॉजिटिव है। यहाँ पर एरो हेड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया कैम पॉजिटिव नहीं है, ऑल दो ये बैक्टीरिया भी बीटा हेमोलिटिक ही है। अभी सबको समझ आई है? यस सर। सर नहीं। अच्छा आदिल, आपको क्या चीज कंफ्यूज कर रही है? सर मुझे सारा कुछ कंफ्यूज कर रहा है। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक ब्लड एगर है, ठीक है। ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं दिस इज स्टेफलोकोकस ऑरियस, ये हमने स्टेफ ऑरियस को इस तरह से ब्लड एगर पे कल्चर किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर जोन है, ये यहाँ पे कम्प्लीट हेमोलिसिस है, ये बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया है स्टेफ ऑरियस, ये हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास एक और बैक्टीरिया है और हमने देखना है कि वेदर दिस बैक्टीरिया इज ग्रुप बी स्ट्रेप और नॉट। हमारे पास एक और बैक्टीरिया है और हमने चेक किया कि वो ग्रुप बी स्ट्रेप है या नहीं। अब हमें पता है कि जो ग्रुप बी स्ट्रेप है वो कैम्प पॉजिटिव है, और उस कैम का मतलब ये है कि ग्रुप बी स्ट्रेप एक कैम फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, ये कैम फैक्टर स्टेफ ऑरियस के बीटा हेमोलिटिक जोन को फर्दर एक्सटेंड करेगा इन द फॉर्म ऑफ एरोहेड। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि बैक्टीरिया कैम पॉजिटिव है और ये बैक्टीरिया ग्रुप बी स्ट्रेप है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, कैम फैक्टर क्या होता है? यस सर। कैम फैक्टर एक बेसिकली प्रोटीन है और ये आरबीसीज की मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, जिसकी वजह से हेमोलिसिस होती है, ठीक है। चलें, अब हमें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें पता है कि स्टेफ ऑरियस बीटा हेमोलिटिक है, वो हमने यहाँ पे कल्चर कर लिया। हमें पता है कि जो ग्रुप बी स्ट्रेप है वो कैम्प पॉजिटिव है, मतलब कि उसने हेमोलिसिस को स्टेफ ऑरियस की हेमोलिसिस को एक्सटेंड करना है इन द फॉर्म ऑफ एरोहेड। तो हमने यहाँ पर ग्रुप बी स्ट्रेप को हॉरिजॉन्टली कल्चर किया है, और जहाँ पर ग्रुप बी स्ट्रेप और स्टेफ ऑरियस का आपस में कॉन्टेक्ट हो रहा है, मतलब स्टेफ ऑरियस वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहाँ पे वो ऑलरेडी बीटा हेमोलिसिस प्रोड्यूस कर रहा है, और जब उस पॉइंट पे ग्रुप बी स्ट्रेप आएगा और वो कैम फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, तो कैम फैक्टर आरबीसीज की फर्दर डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा और एक एरो हेड प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, और उसे हम कहते हैं कि ये कैम टेस्ट पॉजिटिव है, और ये फिर हम कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि ये ग्रुप बी स्ट्रेप है। अगर आप ग्रुप बी स्ट्रेप को वैसे कल्चर करते हैं विदाउट स्टेफ ऑरियस तो वो सिंपल बीटा हेमोलिसिस प्रोड्यूस करेगा, वो एरोहेड की फॉर्म में हेमोलिसिस प्रोड्यूस नहीं करेगा। सर जी, सर कैम फैक्टर स्टेफ ऑरियस रिलीज करेगा या बीटा ग्रुप को स्ट्रेप? ग्रुप बी स्ट्रेप प्रोड्यूस करेगा कैम फैक्टर, इसलिए तो ये ग्रुप बी स्ट्रेप का आइडेंटिफिकेशन फीचर है और स्टेफ ऑरियस का आइडेंटिफिकेशन फीचर नहीं है। आदिल, अब आपको समझ आई है? यस सर। आ गई
वो मुझे जो है वो बैक्टीरिया का वो प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए सही नहीं समझ आ रही। नहीं अब अगर अभी क्लियर हो गया तो बता दे, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नो सर हो गया क्लियर। ठीक है अब हम स्लाइड से पढ़ लेते हैं। सर्टेन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस अ डिफ्यूजेबल एक्स्ट्रा सेलुलर हेमोलिटिक हीट स्टेबल प्रोटीन विच इज कॉल्ड क्रैम फैक्टर। दे एक्ट सिनर्जिस्टिकली विद द बीटा हेमोलाइसिन ऑफ स्टेफलोकोकस ऑरियस टू कॉज इनहेंस्ड लाइसिस ऑफ आरबीसीज। ये जो हमने अभी सारा डिस्कस किया है वही लिखा हुआ है। The group B streptococci are streaked perpendicular to the streak of Staph aureus on blood agar, जैसे कि आपको मैंने स्लाइड में दिखाया है। A positive reaction appear as an arrowhead zone of hemolysis adjacent to the place where the two streak lines come into proximity। जहां पर दोनों लाइंस आपस में कॉन्टेक्ट करेंगी वहां पर अगर hemolysis प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ arrowhead, तो हम उसको कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि ये कैंप पॉजिटिव है। और कैम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिर्फ एक ही बढ़ेंगे आप माइक्रो में, वो है ग्रुप बी स्ट्रेप। द हेमोलिटिक एक्टिविटी ऑफ बीटा हेमोलाइसिन प्रोड्यूस्ड बाय द मोस्ट स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इज इनहांस्ड बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। इंटरेक्शन ऑफ बीटा हेमोलाइसिन विद दिस फैक्टर कॉज सिनर्जिस्टिक हेमोलिसिस विच इज इजीली ऑब्जर्वेबल ऑन ब्लड एगर प्लेट। तो अब आप मुझे समराइज करके बताएं कि आपको मैंने ग्रुप बी स्ट्रेप के कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन फीचर्स बताए हैं। अभी तक आपको मैं 6 बता चुका हूं, वो सब बताएं। सर कैटालेज नेगेटिव, कोगुलेज नेगेटिव, बीटा हेमोलिटिक, बेसिट्रिसिन रेजिस्टेंट, हेपेरेट पॉजिटिव और कैम पॉजिटिव। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, और ये कोलोनाइज ग्रुप बी स्ट्रेप कहाँ पे कोलोनाइज करता है? वजाइना, फीमेल वजाइना और कोलन। ठीक है, और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? फ्रॉम मदर टू फीटस। मदर टू फीटस। ठीक है, और ये डिजीजेस कौन सी कॉज करेगा? नियोनेटल। क्या कॉज करेगा? नियोनेटल मेनिनजाइटिस, एंड्रोमेनिनजाइटिस, चले अब हम पढ़ते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का ट्रीटमेंट क्या है। द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन इज ईदर पेंसिलिन जी और एम्पिसिलिन। इसके अलावा पेंसिलिन जी को अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ कंबाइन करके भी दे सकते हैं। आप इसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? ऑल प्रेगनेंट वुमेन एट 35-37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन शुड बी स्क्रीन बाई डूइंग वेजिनल एंड रेक्टल कल्चर्स। इफ द कल्चर्स आर पॉजिटिव देन पेंसिलिन जी और एम्पिसिलिन शुड बी एडमिनिस्ट्रेड आईवी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अगर पेशेंट का पहले कल्चर नहीं हुआ देन पेंसिलिन जी शुड बी एडमिनिस्ट्रेड आईवी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू वुमेन हु एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और रेस्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ लेबर। यहाँ पर आप ये ऐड कर लीजिएगा कि अगर सेकेंड फेज ऑफ लेबर में रेस्ट हो या फिर प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो और उनका प्रीवियसली आपने कल्चर नहीं किया हुआ, तो फिर आपने उनको पेंसिलिन का शॉट देना है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर पेशेंट पेंसिलिन एलर्जी का है तो आप उसमें सेफाजोलिन, जो कि हमारे पास सेकेंड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है, और वैंकोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं। और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सर जब नॉर्मली हमारे प्रेगनेंसी होती है तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह तो नहीं किए जाते? मतलब आप, आपका मैं क्वेश्चन समझा नहीं हूँ ठीक तरीके से, दोबारा बोलिएगा। सर ये देखना है जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली डिजीज या एंड्रोमाइटिस मतलब कुछ भी हुआ है पेशेंट को या बच्चे को, क्योंकि हमारे जो होता है कि नॉर्मली अल्ट्रासाउंड करते हैं और खाली करते हैं मतलब फारिग कराते हैं, तो हम लोग कैसे इसको करेंगे? बेटा जो गाइडलाइंस हैं वो तो ये हैं कि जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि आपने कुछ का करना है कुछ का नहीं करना, जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं आपने उन सबका कल्चर करना है एट 35-37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन।
और अगर उनका कल्चर पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपने उन्हें एंटीबायोटिक देनी है, अगर कल्चर नेगेटिव आ जाए फिर आपने उन्हें एंटीबायोटिक नहीं देनी। अब यहाँ पर ये नहीं होता इतना कॉमनली, तो वो तो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि जितनी भी प्रेगनेंट फीमेल्स हैं आपने सबका 35 से 37 वीक्स गेस्टेशन में कल्चर लाजमी करना है। और सर प्रोलॉन्ग लेबर होगी तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इसको शॉर्ट देना है पेंसिलिन या दूसरी मेडिसिन का? हाँ बिल्कुल, प्रोलॉन्ग लेबर में ना सिर्फ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस नहीं और भी चीजें आ जाती हैं, तो उसमें फिर आपने पेंसिलिन देनी होती है। ओके सर थैंक यू। ठीक है, अगला बैक्टीरिया जो हमने पढ़ना है वो है वीरनेस। ये सी सेक्शन में भी होता है जी? ट्रांसमिशन तब होनी है जब फीटस पास करेगा बर्थ कैनाल में से, अगर फीटस ने बर्थ कैनाल में से पास ही नहीं करना तो फिर आपको कल्चर वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब जो दूसरा बैक्टीरिया हमने पढ़ना है वो है वीरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। वीरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई के आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या होंगे? वीरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई के आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं हमारे पास, ये कैटालेस नेगेटिव है, कोगलेस नेगेटिव है, और ये अल्फा हेमोलिटिक है। अभी तक हमने बीटा हेमोलिटिक पढ़े थे, अब ये अल्फा हेमोलिटिक है, और ये ऑप्टोचेन, ऑप्टोचेन इज एन एंटीबायोटिक, ये ऑप्टोचेन रेजिस्टेंट है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये कैटालेस नेगेटिव है, कोगलेस नेगेटिव है, अल्फा हेमोलिटिक है, और ऑप्टोजेन रेजिस्टेंट है। ठीक है, वीरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई एक ग्रुप है, इसमें फर्दर चार बैक्टीरिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टेप म्यूटेंस, स्टेप सैंग्विन्स, स्टेप सेलिवेरिस एंड स्टेप माइटिस। ये हमारे पास नॉर्मली ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। मोस्टली डेंटल सर्जरी के बाद, अगर आप डेंटल सर्जरी से पहले आप अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स नहीं देते तो इनकी ट्रांसमिशन हो सकती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम से फिर ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मतलब जाके हार्ट में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, उसके अलावा ब्रेन एब्सेस कॉज कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारे पास ओरल कैविटी के नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं, इनकी ट्रांसमिशन होती है मोस्टली आफ्टर द डेंटल सर्जरी, और अगर ये ब्लड में एंटर हो जाए, बैक्टीरिमिया हो जाए या ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए, तो वहाँ पर ये हार्ट में और ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। हार्ट में कॉज करेंगे सबक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और ब्रेन में कॉज करेंगे ब्रेन एब्सेस। अब सबक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या फ़र्क होता है? सबक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हमारे पास तब होगा जब पेशेंट के हार्ट वॉल्स प्रीवियसली डैमेज होंगे किसी भी वजह से। अगर पेशेंट के हार्ट वॉल्स प्रीवियसली डैमेज हैं किसी भी वजह से और उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया की, तो उसे हम कहते हैं सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर पेशेंट के प्रीवियसली हार्ट वॉल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और उसके ऊपर इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया की, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है स्टेफ ओरियस, और जो सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है मतलब कि हार्ट वॉल्स पहले से डैमेज हैं और उसके ऊपर जाके बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो उसमें आएंगे वीरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। इस पॉइंट की सबको समझ आई है? यस सर। जी अगर पहले से हुआ होगा तो जो है वीरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई होगा, और अगर बाद में होगा तो एक्यूट, मतलब अगर मैंने आप समझे नहीं है, आप समझे नहीं है। अगर हार्ट वॉल्स पहले से डैमेज होंगे तो उसके ऊपर होगा सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की एक कॉज हमारे पास है ये स्टेप वीरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके अलावा और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करते हैं, और अगर पहले से हार्ट वॉल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और उसके ऊपर जाके एंडोकार्डाइटिस हो रहा है, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है स्टेफ ओरियस। ठीक है, वीरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई आर आइदर अल्फा हेमोलिटिक, अल्फा हेमोलिटिक का मतलब है कि पार्शियल हेमोलिसिस होगी और इसमें ग्रीनिश कलर होगा। सो दे आर आइदर अल्फा हेमोलिटिक प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर ऑन ब्लड एगर प्लेट्स,
और इसमें जो हमारे पास चार इंपॉर्टेंट स्पीशीज आती हैं वो हैं स्टेप म्यूटेंट है, सैंग्विन्स है, सेलिवेरियस और माइटस है, एट अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। आपने यहाँ पर वर्ड ऐड करना है सब एक्यूट का। उसके अलावा ये ब्रेन एब्सेस भी कॉज कर सकते हैं एंड दे एंटर ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम ओरोफेरिंग्स टिपिकली आफ्टर द डेंटल सर्जरी। ओरल कैविटी के नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होंगे और ब्लड में मोस्टली एंटर होते हैं आफ्टर द डेंटल सर्जरी। इसलिए जब भी डेंटल सर्जरी करवानी हो उसे आपने तकरीबन ना दो दिन पहले और दो दिन बाद ना एंटीबायोटिक का कवर देना होता है ताकि इसकी इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। एंडोकार्डाइटिस मैंने आपको तकरीबन सेकेंड लेक्चर में बताया था कि उसमें पेशेंट को क्या साइंस और सिम्टम्स आ सकते हैं। एंडोकार्डाइटिस में पेशेंट को फीवर होता है, साथ में रॉथ स्पॉट्स होते हैं। रॉथ स्पॉट्स हमारे पास आईज में स्पॉट्स होते हैं, ऑस्लर नोड्स हो सकते हैं। ऑस्लर नोड्स हमारे पास होते हैं पेनफुल नोड्स होते हैं फिंगर्स पे और टोज पे। उसके अलावा हमारे पास माइट्रल यहाँ पे ट्राइकस्पी रिगर्जिटेशन हो सकती है, डिपेंड करता है कौन से वॉल्व की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। उसके अलावा हमारे पास जेनवे लीजेंस होंगी, जेनवे लीजेंस हमारे पास होती हैं पेनलेस लीजेंस होती हैं पाम पे और सोल पे। उसके अलावा नेल बेड हेमरेजेस हो सकते हैं, एम्बोलिक स्ट्रोक हो सकता है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के। साइंस ऑफ एंडोकार्डाइटिस आर फीवर, हार्ट मर्मर, एनेमिया, एम्बोलिक इवेंट्स सच एज स्प्लिंटर हेमरेजेस एंड जेनवे लीजेंस। द हार्ट मर्मर इज कॉज्ड बाय वेजिटेशन ऑन द हार्ट वॉल्व, इट इज 100% फेटल अनलेस इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ये हमारे पास आपको दिखाया हुआ है माइटल वॉल्व का, माइटल वॉल्व का आपको सेक्शन दिखाया हुआ है। ये जो है आपको नजर आ रही है वेजिटेशंस, इन वेजिटेशंस की वजह से हमारे पास होगी माइटल रिगर्जिटेशन। माइटल रिगर्जिटेशन ये होता है कि बेसिकली माइटल वॉल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टली ब्लड हमारे पास वापस जाता है एरिया में, जिसकी वजह से हार्ट की जो हीमोडायनेमिक्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद रखें कि सभी क्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में पेशेंट को माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है, उसके अलावा ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। इट रियली डिपेंड्स कि कौन से वेल्व की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। बेटा बताएं एंडोकार्डाइटिस में क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं? फीवर, हार्ट मर्मर, स्प्लिंटर, हेमरेजेस, जेनवे लीजेंस, एनीमिया। चलिए दोबारा सुन लें, फीवर हो सकता है, रॉथ स्पॉट्स हो सकते हैं, रॉथ स्पॉट्स होते हैं आईज में, ऑस्लर नोड्स हो सकते हैं, ऑस्लर नोड्स होते हैं पेनफुल होते हैं, पेनफुल नोड्स होंगे ऑन फिंगर्स एंड टोज। उसके अलावा माइट्रल या फिर ट्राइकस्पी रिगर्जिटेशन का मर्मर आएगा, जेनवे लीजन होती है पेनलेस लीजन ऑन पाम एंड सोल, और साथ में हमारे पास नेल बेड हेमरेजेस हो सकते हैं, एम्बोलिक इवेंट्स हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है। ये हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन स्कीम है, आप इस आइडेंटिफिकेशन स्कीम को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको मैंने बताया हुआ है आइडेंटिफिकेशन फीचर्स, आप वो फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर है। बेसिकली दिखाया होगा कि बीटा हेमोलिसिस आ रही है, तो बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया हमारे पास कौन कौन से थे? बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया थे हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। अब जो हमारे पास ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, वो हमारे पास बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, और जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है वो बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है। उसके अलावा जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है वो कैंप पॉजिटिव है, और जो हमारे पास कैंप नेगेटिव है, और फिर उसमें हमारे पास आ जाएंगे पॉसिबली ग्रुप डी और बीटा हेमोलिटिक, नॉट ग्रुप ए बी और डी, ठीक है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा जो आपको मैंने लिखवाए हुए हैं आइडेंटिफिकेशन फीचर्स, अगर आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वो बेहतर ये है कि आप वो फॉलो करेंगे, क्योंकि वो आपको मैंने समराइज करके इकट्ठे लिखवा दिए थे। यहाँ पर अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें कन्फ्यूजन हो जाती है। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। आयजा, आदिल, कोई क्वेश्चन है आपका? सर, आपने ये भी लास्ट में सिम्टम्स बताए कि ये हैंड पे नोड्स हो जाता है, सॉरी फिंगर्स पे नोड्स हो जाता है, तो इनकी मतलब इनको डिटेक्ट कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है? आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप ये पूछ रहे हैं? यस सर। बेटा ये फिजिकल एग्जाम में आप इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप हैंड्स को देखेंगे
तो आप इन्हें फिजिकल एग्जाम पे आइडेंटिफाई करेंगे, पेनफुल नोड्स होंगे, पेशेंट बताएगा कि मुझे उंगलियों में यहाँ पे दर्द होती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी अटेंडेंस। अब्दुर्रहमान इरफान। अक्सर रॉबिन। आदिल रियाज। अफीफा सजाद। आईएमआईआर। एमन अली। प्रेजेंट सर। एमन नसीर। सर उसने ज्वाइन की थी उसका नेट इश्यू आ रहा है। आयजा हाशमी। आयजा राशिद। प्रेजेंट सर। अमीरा इरफान। प्रेजेंट सर। आमना फरूक। अनम असलम। प्रेजेंट सर। अनिला नासिर। प्रेजेंट सर। अकदस इकबाल। प्रेजेंट सर। अक्सा जवेद। प्रेजेंट सर। अक्सा मुकद्दस। प्रेजेंट सर। अक्सा मुश्ताक। प्रेजेंट सर। अरिबा आसिम। प्रेजेंट। अरिबा जमील खान। प्रेजेंट सर। अरिबा जाहिद। प्रेजेंट सर। अरीज आसिफ। अरीज रबानी। प्रेजेंट सर। अरुषा सैयद। अतरुबा असलम। प्रेजेंट सर। अतिया अशरफ। प्रेजेंट सर। ऑन अहमद सिद्दीकी। प्रेजेंट सर। आयशा हसन। प्रेजेंट सर। आयशा जमशेद। प्रेजेंट सर। आयशा मुगल। प्रेजेंट सर। आयशा रिजवान। प्रेजेंट सर। आयशा सुमैया। प्रेजेंट सर। अस्का तारिक। प्रेजेंट। बशीर अशरफ। सर बशीर अशरफ प्रेजेंट। ठीक है बशीर। बेनिश इसहाक। प्रेजेंट सर। ईमान तौकीर। प्रेजेंट सर। ईशा तिरजिया। प्रेजेंट सर। ईमान अनवर। प्रेजेंट सर। ईशा मुबारक। प्रेजेंट सर। फरीहा फातिमा। फरीहा फातिमा। फसीहा जाहिद। फातिमा इफ्तिखार। प्रेजेंट। फातिमा कासिम। फिजा नवीद। सर प्रेजेंट है, उनकी इशू आ रहा माइक का। फातिमा कासिम का नो सर, ये फिजा नवीद का। अच्छा गुलशन सलीम। हबीबा अफजल। हबीबा फजल सॉरी। हाफिजा लाइबा तोकीर। प्रेजेंट सर। हाजरा तारिक। प्रेजेंट सर। हिना अब्बास। प्रेजेंट सर। हिना अरशद। हिरा महबूब। प्रेजेंट सर। हिना अरशद प्रेजेंट सर। हिरा तबस्सुम। प्रेजेंट सर। हुमा एजाज। प्रेजेंट सर। हुमैरा सईद। प्रेजेंट सर। हुमायूं इकबाल। प्रेजेंट सर। इफ़्ज़ा इदरीस। प्रेजेंट सर। इकरा असगर। प्रेजेंट सर। इकरा नजीब। प्रेजेंट सर। इकरा कासिम। प्रेजेंट सर। इकरा रफीक। इकरा रफीक। इकरा रियाज। प्रेजेंट। रीज आमिर। प्रेजेंट। इशा सनाउल्ला। प्रेजेंट सर। इस्मा। जजाल मास। प्रेजेंट सर। खतीजा साजिद। प्रेजेंट। खतीजा अकबर। प्रेजेंट। खतीजा शकील। प्रेजेंट सर। खतीजा जफर। प्रेजेंट सर। खिजरा अशरफ।
किंजागुल प्रेजेंट कुनैन फातिमा सर उसका नेट इशू है सर लाइबा सरफराज प्रेजेंट सर सर लाइबा ज़िया प्रेजेंट सर ठीक है महानूर आसिफ प्रेजेंट माहद महमूद कुरैशी प्रेजेंट महीन शोएब प्रेजेंट सर महानूर खान प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर महानूर तारिक प्रेजेंट माहरुख ताहिर प्रेजेंट मायरा अफजल प्रेजेंट मनाहिल कामरान मनाहिल काशिफ प्रेजेंट मारिया मंशा प्रेजेंट मरियम राशिद मरियम सैफ मरियम इम्तियाज प्रेजेंट सर मसूमा जाहरा प्रेजेंट सर महक जहान प्रेजेंट सर मबीन तनवीर प्रेजेंट सर मोमिना आसिफ प्रेजेंट सर मोहम्मद हसन सरबर प्रेजेंट सर मोहम्मद सरमद प्रेजेंट मोहम्मद जैन रजा प्रेजेंट सर मुनजा सहीर प्रेजेंट सर नाबिया ताहिर प्रेजेंट सर नवील कंवर प्रेजेंट सर नेहा प्रेजेंट सर निमरा प्रेजेंट निमरा नकवी प्रेजेंट निमरा शहजाद प्रेजेंट सर नूर फातिमा 136 नूर फातिमा 17 प्रेजेंट सर नूर फातिमा 102 प्रेजेंट सर 102 कैसर जहान प्रेजेंट सर रजिया नई वक्त 136 प्रेजेंट प्रेजेंट सर राबिया अली प्रेजेंट राबिया हबीब प्रेजेंट सर राबिया लियाकत प्रेजेंट सर राबिया सलमान प्रेजेंट रफिया नाज राव मुइजुर रहमान रवान नदीम खान प्रेजेंट रहमान तारिक रिदा जैनब प्रेजेंट रिजवानुल हक प्रेजेंट रुबिया इमरान प्रेजेंट रुकैया अकबर प्रेजेंट सर सदफ इलियास प्रेजेंट सर सादिया आदिल प्रेजेंट सर सादिया बदर पराचा प्रेजेंट सैफा जफर प्रेजेंट सारा महबूब प्रेजेंट समीरा सना शहजादी सारा प्रेजेंट सर सारा अली प्रेजेंट सारा रियाज प्रेजेंट सर सवेरा फरूक शैला इकबाल प्रेजेंट सर शिद्रा अब्बास प्रेजेंट सर शिद्रा ताहिर प्रेजेंट सर सितारा वकार सोबिया मंसूर प्रेजेंट सर सोहा आमिर प्रेजेंट सुलभास्कर प्रेजेंट सुमेरा नवाज प्रेजेंट सर सैयदा गनबा बुखारी प्रेजेंट सर सैयदा नूरुलैन सैयदा जखरो फजीज प्रेजेंट तंजील फातिमा तहरीम खालिद प्रेजेंट सर तौबा साबिर प्रेजेंट सर उश्ना नसार प्रेजेंट सर विशा ताहिर प्रेजेंट वर्दा फातिमा वर्दा मुस्तकीम प्रेजेंट सर जाहिद हुसैन
जहरा, जैन अली अब्बास, जैन इफ्तिखार, यस सर, जैनब इमरान, प्रेजेंट सर, जैनब महबूब, प्रेजेंट, जैनब सादिक, जैनब सलीम, प्रेजेंट सर, जरमीन ताहिर, प्रेजेंट सर, जीनत अनवर, प्रेजेंट, जोहा अहमद, प्रेजेंट सर। हबीबा आप सब आपकी लगी है सर, अरुषा सैयद भी, मेरी भी नहीं लगी सर। सर अरुषा सैयद आयजा हाशमी की लगी है सर। अरुषा सैयद सर मेरी भी रहती है सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अरुषा लग गई आपकी, और किसकी रहती है? सर हबीबा, हबीबा फजल, यस सर। सर और कोई अफीफा, सर अफीफा सजाद, ठीक है। और चलिए ठीक है, ठीक है बेटा आप लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।